एक बार फिर से डीआरएस मामला खबरों में आ रहा है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट विवादों में घिर गया था, जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ अपने आउट होने के खिलाफ डीआरएस की अपील पर सलाह लेने के लिए ड्रेसिंग रूम की बालकनी की तरफ देखते हुए पकड़े गए थे। स्मिथ ने रांची में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच की बीती शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरा मानना है कि विराट पूरी तरह से गलत है। मैंने मैच से बाहर आने के बाद कहा था कि मैंने गलती की है और ये मेरी ओर से की गई गलती थी। हम लगातार ऐसा करते हैं। मेरी राय में ये पूरी तरह से बकवास है। मुझे लगता है कि वो अपना बयान देते हुए पूरी तरह से गलत था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली के आरोपों को खारिज किया है कि उन्होंने डीआरएस लेते हुए लगातार धोखाधड़ी की और कहा कि कोहली के दावे पूरी तरह से बकवास हैं। इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने साफ कहा था कि उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ से हुई वर्ड वॉर का कोई पछतावा नहीं है। बुधवार को मैच के पूर्व संध्या से पहले पत्रकारों से बातचीत में विराट कोहली ने कहा कि उनका फोकस फिलहाल खेल पर है, लेकिन उन्होंने स्मिथ के खिलाफ अपने दावों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। मैंने जो बोला मुझे उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, लेकिन ये भी अहम है कि हम बेवकूफ ना हो कि रोजाना एक ही चीज पर चलते जाएं। मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का डिसीजन हर किसी का था। हमने पहले भी ऐसे उदाहरणों को देखा है। ये सिर्फ मनमुटाव पैदा करता है और इनसे कुछ हासिल नहीं होता। भारतीय कप्तान ने कहा कि ये वो समय है जब हमें बाकी बचे हुए मैचों पर ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत क्रिकेट खेला जाना बाकी है और वो खराब तरीके से खेला नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले इन दो टेस्ट टीमों के बीच कड़वाहट उस वक्त नजर आई थी जब इंडियन स्पिनर हरभजन सिंह पर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स को मंकी कहने का आरोप लगा था। इसके अलावा सिडनी टेस्ट में कोहली पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा था। उन्होंने इस मैच में दर्शकों की तरफ बीच की उंगली दिखाकर इशारा किया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।